अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे से हैं। वेरी गुड जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, कल आप लोगों ने सॉरी बोला था। किसको बोला था भाई? मम्मा को। वेरी गुड, क्या गलत बात कर दी थी? जोर जोर से रो रहे थे क्यों? हाँ, काम जो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे काम? खेलने को दिल चाह रहा था। ओहो, तो क्या खेला नहीं था सुबह में? खेला था, ज्यादा खेलने को दिल चाह रहा था, लेकिन काम भी तो कंप्लीट करना होता है ना। काम कंप्लीट कर लिया करें वक्त पे, और उसके बाद जो है खेल लिया करें। मम्मा कुछ कहेंगे भी नहीं। चलिए, ये अच्छी बात हुई कि आप लोगों ने सॉरी कर लिया। हाँ, तो मम्मा खुश हो गई होंगी। खुश हो गई थी। वेरी गुड, और क्या किया भाई? खेलने दिया था। वेरी नाइस, देखा ये अच्छा हुआ ना कि आप लोगों ने सॉरी कर ली, तो मम्मा भी खुश हो गई, मम्मा भी हैप्पी हो गई, और उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी आपको थोड़ा सा और खेलने दिया। अब आपने यही करना है कि जब भी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, किसी को नाराज कर दे, तो क्या बोलना है आपने? सॉरी। वेरी गुड। चले जी, ये तो हो गई आज की अच्छी सी बात। अब हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल सोम। और उसमें आजकल हम क्या कर रहे हैं भाई? जी, आजकल हम कर रहे हैं रिवीजन, ताकि हम पिछला काम भूल ना जाए, हमें आगे का काम भी याद रहे और पिछला काम भी हम याद करें, ताकि हम अच्छे से आगे जाके सबक पढ़ सके, उससे जुमले बना सके, है ना भाई? तो अब क्या करते हैं, आज हम खोलते हैं अपनी उर्दू की किताब का सफा नंबर 35। जी, यहाँ मौजूद है हमारा सफा नंबर 35। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है, यहाँ का सारा काम आपका लिखा हुआ है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में क्या करते हैं कि बार बार इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना भाई? चले जी, हम क्या करेंगे, सफा नंबर 35 हमने खोल लिया है, जरा जल्दी से मुझे बताइए कि सफे पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जी, सबसे पहले हम देखते हैं आइकन्स। तो बताइए जरा, इस सफे पे कितने आइकन्स मौजूद हैं? कितने आइकन्स हैं? तीन आइकन्स मौजूद हैं, एक दो तीन। पहला आइकन कौन सा है भाई? क्या कह रहा है पहला आइकन हमसे? वेरी गुड, लाइनें बनी हुई हैं, फिंगर रखी है, तो उसका मतलब क्या होता है? जी, इसका मतलब होता है आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए। सही है, हमने पढ़ना है। उसके बाद लकीर है और एक पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है भाई? जोर से बोलें। वेरी गुड, इसका मतलब होता है लिखिए, और आप तो लिख चुके हैं, है ना? और फिर हमारी फ्रेंड बैठी है, अच्छी सी दोस्त, प्यारी प्यारी सी मानो बिल्ली, और वो हमसे क्या कहती है? जी बिल्कुल, वो हमसे कहती है रंग भरिए, रंग भरिए। आप लोगों ने रंग भरा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा सा रंग भरा हुआ है, और यहाँ पे तारीख भी लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है? हम लोगों ने जी हमने यहाँ पे पढ़ना है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, रिवाइज करते हैं। मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर आप साथ साथ पढ़िएगा, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है जी? पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? बो ई, बो ई, बोल बोल बोल। साथ में पढ़े शाबाश, बोल बोल। तो ई, तो ई, तोल तोल तोल। ये क्या लिखा हुआ है? तो प, तो प, तो तो तो। बोल बोल बोल। तोल तोल तोल। तो तो तो। अच्छा जी, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहला कौन सा है भाई? तो 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 तोस तोस तोस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो र, जो र, जोड़ जोड़ जोड़। वेरी गुड, शाबाश।
आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए, खुद से पढ़ने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है। शाबाश, पढ़ा हुआ है ना हमने पहले? हाँ, तो दोहराइए खुद से। हो ल, हो ल, होल, होल, होल। वेरी गुड, शाबाश, यहाँ लिखा हुआ है तोस, तोस, तोस। जोड़, जोड़, जोड़। और यहाँ पे होल, होल, होल। मजीद अल्फाज नीचे लिखे हुए हैं, उनको भी पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो, श, जो, श, जोश, जोश, जोश। पो, श, पो, श, पोश, पोश, पोश। पो, ल, पो, ल, पोल, पोल, पोल। शाबाश, और आखिर में लिखा हुआ है टोक, 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 टोक। जोश, जोश, पोश, पोश, पोल, पोल, टोक, टोक। वेरी गुड, चलिए जी एक दफा और दोहराते हैं, दोहराइए, पढ़िए, शाबाश, उससे पढ़े, आप जोर से पढ़े जरा सा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? बोल, बोल, तोल, तोल, तो, तो, तोस, तोस, जोड़, जोड़, होल, होल, जोश, जोश, पोश, पोश, पोल, पोल, टोक, टोक। जी, हमने पूरा सवाल दोबारा से दोहरा लिया, रिवीजन कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार सुनना है, अच्छे से सुनना है, खुद से सभी को दोहराना है, इसमें मौजूद सारे अल्फाज को दोबारा से पढ़ना है, बार बार सुनाना है, अपने पेरेंट्स को सुनाइए, अपने दोस्तों को या बहन भाइयों को सुनाइए, और सुनाने के बाद इसमें मौजूद अल्फाज को आपने क्या करना है, किसी भी सफ़े पे, किसी भी रफ कॉपी पे आपने दोबारा से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आपको बताएंगे कि आज हमने सफा नंबर 35 जो है दोहराया है, रिवीजन किया है, उनको उसके पढ़ के सुनाएंगे, वॉइस नोट भेज देंगे, और जो आपने ये अल्फाज अपनी रफ कॉपी में लिखे हैं उनके चीक की तस्वीर उनको सेंड कर दीजिएगा। कल मिलेंगे नए गांव के साथ, अल्लाह हाफिज़।